वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू वाले समोसे। और आलू वाले समोसे के लिए ये मेरे पास एक कप मैदा है, और एक कप मैदे में मैं ये एक स्पून जो है ये घी का शामिल कर रही हूँ। ठीक है, ये घी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। एक आलू मैंने उबाइल कर लिए हैं, दो आलू मैंने लिए थे जो मैंने उबाइल कर लिए हैं। और ये हाफ टी के बराबर मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये हाफ टी के बराबर मेरे पास नमक है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, अब इसे पहले मैं हाथों से मसलूंगी, उसके बाद मैं हल्का हल्का पानी डाल के और फिर से गूंदूंगी, और इसकी डो जो है वो थोड़ी सी सख्त बनेगी। ठीक है, आप फटाफट ज़्यादा पानी ना डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके आप डालिएगा। पहले इसको आप हाथों से मस लीजिएगा। जो घी इसमें शामिल किया है सिर्फ एक चम्मच, और ज़ीरा मैंने शामिल किया है, उसके बाद मैं इसकी डो तैयार करती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ठीक है, ये देखें, मैं बिल्कुल ज़रा ज़रा सा पानी डाल रही हूँ, ये देख ले। एकदम से पानी नहीं शामिल करना आपने, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डाल के और हमने इसको ये गूंदना है। ये हमारी डो जो है ये तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसी के साथ अब और पानी नहीं डालना हमने इसमें। ठीक है, बस अब हाथों की मदद से इसको जो है सेट करना है हमने, और आपने इसको 5 मिनट तक जो है गूंदना है। ये देख लें, मैंने आपको दिखा दिया। अब इसी को मैं हाथों की मदद से अपना इसको सेट करूंगी, गूंदूंगी 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं इसको रख दूंगी। ये दो आलू हैं मैंने जो उबाइल कर लिए हैं, इसे मैं बारीक बारीक काटूंगी और फिर मैश करूंगी। और जो मसाले इसमें जाएंगे, ये मैंने एक हाफ टी के बराबर जो है कुटी हुई लाल मिर्चें ली है, हाफ टी के बराबर नमक लिया है, क्वार्टर से भी कम हल्दी है, और क्वार्टर से भी कम जो है ये अपना ज़ीरा पाउडर है, और ये हाफ क्वार्टर के बराबर जो है अपना ये ज़ीरा है, और ये भी अपना बिल्कुल क्वार्टर से कम जो है ये कुलवंजी है। ठीक है, नमक हसबे जायका है। और इसके अलावा ये मेरे पास हरा धनिया, और ये देखें, ये एक हरी मिर्च जो है मैंने इसमें काट ली है। पुदीना मेरे पास था नहीं, पुदीना भी इसमें डलता है, अगर आपके पास हो पुदीना तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास ये ग्रीन मसाले में हरी मिर्चें और हरा धनिया है, और ये मसाले हैं, और थोड़ा सा ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, मतलब हाफ टी के बराबर, सिर्फ जायके के लिए। तो मैं इसे बारीक बारीक काट के पहले मैश कर लेती हूँ, फिर मैं मसाले इसमें सारे ये शामिल करूँगी, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ आपको। पहले मैं खाली आलूओं को मैश करूँगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, और ज़रा ज़रा से मोटे और थोड़े से बारीक, मतलब इतने मोटे भी ना हों और बिल्कुल बारीक भी ना हों, ऐसे हों ज़रा से, क्योंकि फिर इनको हमने सेक भी लगवाना है मसालों को। आलू देखें मेरे कितने गले हुए थे। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। ये देखें, फ्राई पैन मैंने रख दिया ऊपर, और आग मैंने इसकी दरमियानी सी कर दी है। ये इतना से बिल्कुल, ये देखें कितना से मैंने ये लिया है घी, सिर्फ बस इतना से मैंने लिया है, क्योंकि अगर मैं इसको बिल्कुल खुश्क को थोड़ा सा वो करती ना तो ये नीचे से जल जाता। ये दो आलू के हिसाब से जो मैंने मसाले डाले थे बिल्कुल पूरे हैं, नमक भी पूरा है, मैंने चख लिया था। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी 2-3 मिनट के लिए, थोड़ा सा मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से, मतलब मैश तो कर लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए सेक लगवा लूँगी ज़रा सा, और फिर मैं इसको उतार दूंगी। तो फिर ये हमारी फिलिंग जो है तैयार हो जाएगी समोसों की। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये मैंने इतना सा पेड़ा लिया है। ठीक है, अब इस पेड़े को जो मैं पहले गोल पेड़ा मतलब करूँगी। ठीक है,
थोड़ा सा मैं खुश्का इसके नीचे डालूंगी। और इसको मैं गोल नहीं बेलूंगी, बिल्कुल मैं आपको दिखा देती हूँ बेल के भी। एक सेकेंड, ये देखें इस तरीके से हमने इसको बेलना है। और उसके बाद इसको मैं सीधा कर रही हूँ, और सीधा करने के बाद जो है सेंटर में से कट लगाना है। ये अलग हो गया पार्ट्स, ये अलग हो गया। अब इसको क्या करना है, ये जो हमने जहाँ से कट लगाया है ये वाला हिस्सा, इसको हमने इस तरीके फोल्ड करना है, मोड़ना है, कौन बनानी है इसकी। और इसको भी हमने इसके ऊपर यूं रख देना है, और फिर अंदर से हाथ डाल के इसको आपने यूं दबा देना है। ये हमने दबा दिया, अब ये हिस्सा खुला हुआ है, इसमें हमने फिलिंग डालनी है। या आप ये ना घबराइएगा कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसको हमने ऊपर से यूं खींच के इसके साथ हमने यूं इसको दबा देना है। ये देखें, ये हमने दबा दिया, ये देखें ये समोसा हमारा तैयार हो गया है, ये देख लें। ठीक है, इसी तरह मैं इसका भी इसी तरीके से बनाऊंगी, और ये सारे बना के मैं फिर एक ही दफ़ा फ्राई करूंगी। अच्छा, आपके हाथों से ना दबे तो आप इसको नीचे रख के और इन उंगलियों की मदद से भी आप इसको इस तरीके से दबा सकती हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पैक हो जाए। और इसको जब आप प्लेट में रखोगी बना बना के, तो आपने इस तरीके से रखना है ताकि ये हिस्सा ऊपर रहे और ये यूं करके रहे, इस तरीके से आपने प्लेट में रखते जाना है। ठीक है, ये देखें एक कप जो मैदा मैंने लिया था उस हिसाब से ये मेरे 6 समोसे तैयार हो गए हैं आलू वाले। 2 आलू लिए थे मैंने, और उस हिसाब से मैंने मसाला जो डाला था, मसाला भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, और ये 6 हमारे बन गए। अगर आपने इससे ज़्यादा बनाने हैं तो इसी को आप डबल कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है मैं इनको फ्राई करती हूँ, अपना ऑयल में रखती हूँ ऊपर गर्म होने के लिए। ये कुछ समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं, और ये अपना मैं डाल रही हूँ इसमें समोसे। ये देखें इस तरीके से आपने इनको, और आग जो है बिल्कुल आपने दरमियानी सी रखनी है, बिल्कुल ये इस तरीके से हमने डालना है ताकि इनको पहले नीचे से सेक लग जाए, और इनको जो है थोड़ा सा सेक लगने के बाद जो है आपने इसको एक बार घुमाते रहना है ताकि सब पे जो कलर है वो एक जैसा आए। जब ये थोड़े से गोल्डन हो जाए तो फिर हम जो है इन्हें उतार लेंगे। आग बिल्कुल आपने दरमियानी रखनी है, और इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से आपने घुमाना है। ठीक है, ये देखें आलू के समोसे हमारे बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल खस्ता बने हैं। मैंने सोचा कि रमज़ान आ रहे हैं, खैर से तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रमज़ानों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। आलू के समोसे हो गए, कीमे के समोसे हो गए, रोल हो गए। रोल तो मैंने आपको 2-3 किस्म के आपको पहले ही बता दिए थे, और आलू के समोसे हैं ये भी मैंने आपको बता दिए हैं, गोलगप्पे भी आपको बता दिए हैं, सैंडविच भी आपको बता दिए हैं। अभी और भी 2-4 आइटम हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी इस रमज़ानों के हवाले से।
तो आप घर में बनाएं, साफ सुथरा करके अपने आंखों के सामने हर चीज़ आप मिक्स करके बनाएं, तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को आप अफ्तारी दें। आप तो अगर ये आपको हमारे आलू के समोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।